अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली विटामिन के। लास्ट लेक्चर विटामिन डी एंड में हम डिस्कस कर चुके थे विटामिन डी एंड ई। सेम एज इट विटामिन डी एंड ई, विटामिन के इज़ आल्सो फैट सॉल्युबल। जैसे कि हमने विटामिन डी और ई की बात की रही थी कि ये भी हमारे पास फैट सॉल्युबल है, इसी तरह विटामिन के इज़ आल्सो फैट सॉल्युबल। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ के, तो विटामिन के क्या है, तो देन वी कैन सी दैट द नेम के स्टैंड फॉर कोगुलेशन विटामिन, दैट इज़ अ कोगुलेशन विटामिन। इफ वी डिस्कस अबाउट कोगुलेशन विटामिन, देन वी कैन सी दैट दैट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट हेमरेजिक टेंडेंसी। हेमरेजिक को हेमरेज टेंडेंसी भी कहते हैं। आफ्टर देन डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स, देर आर टू मेन सिनोनिम्स ऑफ विटामिन के। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी हेमरेजिक विटामिन एंड सेकेंड इज कोगुलेशन विटामिन, दीज आर टू मेन सिनोनिम्स ऑफ विटामिन के, एंटी हेमरेजिक विटामिन एंड सेकेंड इज कोगुलेशन विटामिन। फर्दर वो डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ विटामिन, इफ वो डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के, देन वी कैन से दैट देर आर मैनी थिंग्स डैट आर इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के, बट सम आर डिस्क्राइब हियर, लाइक जैसे कि विटामिन के इज़ अ फैट सोल्यूबल एंड हीट स्टेबल। बेसिकली विटामिन के क्या है, डैट इज़ अ फैट सोल्यूबल एंड हीट स्टेबल। फर्दर केमिकली इसको फर्दर डिवाइड किया गया या इसकी क्लासिफिकेशन हो गया फर्दर थ्री फॉर्म ऑफ विटामिन के में, जैसे कि विटामिन के वन, के टू एंड के थ्री। इफ वी डिस्कस अबाउट के वन, देन वी कैन से दैट दैट इज़ अ प्लांट ओरिजन। विटामिन के वन जो है वो प्लांट ओरिजन है, विटामिन टू इज़ बैक्टेरियल ओरिजन। आफ्टर दैट विटामिन के थ्री इज दैट इज़ अ सिंथेटिकली प्रिपरेशन। ये हमारे पास थे केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के। फर्दर है सोर्सेज, तो बेसिकली इसके दो मेन सोर्सेज हैं, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। इफ वी डिस्कस अबाउट प्लांट्स, देन वी कैन से दैट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्पाइनिच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो वगैरह, मतलब पालक, गोभी, बंद गोभी या टमाटो वगैरह जो हैं इसमें आ जाते हैं। आफ्टर देन है एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं विटामिन के, तो वे हमारे पास फिश है, मीट है, मिल्क है, एग, योक है और बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वगैरह। आफ्टर डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ विटामिन के, फंक्शंस ऑफ विटामिन के की बात करें तो देर आर मैनी फंक्शंस ऑफ विटामिन के, बट वो डिस्कस अबाउट सम आर हेयर। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। फर्दर है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन। इफ वो डिस्कस अबाउट प्रोथ्रोम्बिन विटामिन, तो प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्लाज्मा, बेसिकली दैट इट इज अ प्लाज्मा दैट प्रोटीन प्रोड्यूस इन द लीवर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, जो कि विटामिन के की मौजूदगी में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विटामिन के में। सेम हैज़ इट रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, डेट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ विटामिन के। वी डिस्कस अबाउट रिस्पायरेटरी विटामिन ऑफ के, देन वी कैन से दैट इट इज़ वेरी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, बिकॉज इन प्लांट विटामिन के इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन प्लांट्स अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस इज़ आल्सो अ वेल मैनर्ड प्रोसेस फॉर प्लांट्स। आफ्टर देन है हेल्दी बोन्स, नो डाउट अगर विटामिन के जो है दैट इज़ आल्सो कंपल्सरी फॉर हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स के लिए ये बहुत ही कंपल्सरी है, बोन्स को क्या करता है, हार्ड करता है, उनकी कंपैटिबिलिटी को क्रिएट मजीद करता है, मतलब उनमें जो कनेक्शन वगैरह होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। सेल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विटामिन ए, नो डाउट कि इट इज़ आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन सेल ग्रोथ। जितनी भी हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी बेसिकली सेल्स, सारी की सारी बॉडी सेल्स पर कंसिस्ट होती है, और सेल्स से टिश्यूज और टिश्यूज से ऑर्गन्स, देन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी जो है ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से मिलकर बनी है, सेल्स फिर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, तो सेल ग्रोइंग में भी हेल्पफुल होता है। फर्दर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, बेसिकली अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें तो विटामिन के एक ऐसा फंक्शन है, या विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हमें कार्डियोवैस्कुलर हार्ट फेल, हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट एंजाइना वगैरह हो जाए, तो अगर हमारा विटामिन के स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी में एबिलिटी ज़्यादा होगी, विटामिन के की जो हमारी बॉडी में अमाउंट होगी वो बरकरार होगी, मेंटेन होगी, तो हम डिजीज़ के खिलाफ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कि मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में भी कंट्रोलेबल होती है। आफ्टर देन डिस्कस अबाउट अफेक्ट्स,
There are some main effects of vitamin K deficiency. Vitamin K की deficiency की वजह से कौन कौन से effects होते हैं? Serious complications होती हैं. No doubt, deficiency of vitamin K जो है इसके result में कुछ serious complications होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि लंबे अरसे तक bleeding वगैरह भी हो जाती है अगर vitamin K की कमी हो तो. Appearance of blood in urine, अगर हम देखें तो blood जो है urine के साथ blood आना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये जो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो होती हैं इसमें ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं ज़्यादा. डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन चाइल्ड, नो डाउट अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो ये कॉमन वैसे अडल्ट्स में प्रॉब्लम होता है डेवलपमेंट में, लेकिन एक न्यू बेबी बॉर्न जो इन्फेंट्स होता है उसको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. फर्दर है वीकनेस ऑफ बोन, बोन्स क्या हो जाती हैं वो वीक हो जाती हैं, हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, कनेक्टिविटी का इशू होता है और वर्क भी वैसे नहीं कर रही होती. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, कमज़ोरी महसूस होती है, जो हार्डनिंग होती है हार्ट वेव्स की उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. बेसिकली अगर देखा जाए तो विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है ये हार्डनिंग है हार्ट वेव्स की, और उसके अलावा अकोमोलेशन होती है इसकी कैल्शियम साल्ट्स इन बॉडी टिश्यूज में. आफ्टर दैट है टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो हिमोलाइटिक एनीमिया है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया है और ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ द एंटीकोगुलेशन है. अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की तो इसमें न्यू बेबी बॉन्स जो है वो भी आ जाते हैं, या न्यू बॉन्स जितनी भी होती हैं वो हिमोलाइटिक एनीमिया में आ जाती हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो भी बहुत ज़्यादा ब्लड में जो ब्रिलियुमिन है, ब्रिलियुमिन होता है किसी येलो रंग का पिगमेंट जो बाइल्स वगैरह में प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर ये ऐसे भी कह सकते हैं टॉक्सिसिटी जो होती है ये ब्लॉक कर देती है जो अफेक्ट होती हैं ओरल एंटीकोगुलेशन वगैरह के उसको. तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, विटामिन के, विटामिन क्या है, डेट इज़ अ फैट सोलिबल एंड के स्टैंड फॉर कोगुलेशन विटामिन. आफ्टर देन डिस्कस अबाउट द कोगुलेशन विटामिन, डेट इज़ अ सब्सटेंस डेट प्रिवेंट हेमरेजिक टेंडेंसी. फर्दर वो डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ विटामिन के, सिनोनिम्स ऑफ विटामिन के आर टू, एंटी हेमरेजिक विटामिन एंड सेकेंड इज अ कोगुलेशन विटामिन. फर्दर वो डिस्कस अबाउट द विटामिन केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के, इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के देन वी कैन से दैट दैट इज अ फैट सोलिबल एंड हीट स्टेबल. फर्दर इन टू केमिकल सिचुएशन एंड इन टू द अकॉर्डिंग टू द केमिकल देर आर फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री फॉर्म, विटामिन के वन, के टू एंड के थ्री. के वन इज़ अ फॉर प्लांट ओरिजिन, के टू इज़ अ बैक्टेरियल ओरिजिन एंड के थ्री इज अ सिंथेटिकल प्रिपरेशन. फर्दर वो डिस्कस अबाउट द टू मेन सोर्सेज इन प्लांट्स एंड एनिमल. इफ वो डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक जैसे कि स्पाइनिज, कॉलीफ्लावर और कैबेज, टोमेटोज वगैरह. आफ्टर देन एनिमल्स, फिश, मीट, मिल्क एग, मिल्क और एग जॉक वगैरह जो है एनिमल्स में आ जाएंगे. फर्दर डिस्कस अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ विटामिन के, तो सो वी कैन से दैट दे प्ले अ वाइटल रोल इन अ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, प्रोथ्रोबिन फॉर्मेशन एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन विटामिन के. फर्दर हेल्दी बोन इज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन फंक्शन ऑफ विटामिन के. फर्दर सेल ग्रोइंग इज आल्सो मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन के. फर्दर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंट फ्रॉम विटामिन फंक्शन ऑफ विटामिन के. फर्दर देर आर सम मेन अफेक्ट्स ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेट क्रिएट ब्लड क्लॉटिंग आर एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, अपेयरनेस ऑफ ब्लड इन यूरिन एंड आल्सो क्रिएट ब्लीडिंग इन यूरिन. फर्दर डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन चाइल्ड्स, इट्स आल्सो क्रिएट डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन इन्फेंट्स. वीकनेस ऑफ बोन्स डेट कैन डैमेज आवर बोन, वीक आवर बोन्स एज ऑस्टियोपोरोसिस. बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं, दर्द शुरू रहता है, पेनफुल होता है. हार्डनिंग ऑफ द हार्ड वेल्स एंड अकोमोलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बॉडी टिश्यूज. फर्दर टॉक्सिसिटी है, हेमोलाइटिक एनीमिया है, हाइपोबिलिरुबिनेमिया है और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स. ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू सो मच.